हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर आर के मिश्रा सर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने शॉर्टकट सीरीज में, वो टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसमें हम सारे केसेस देखेंगे। टोटल हमारे पास करीब जो आज हमें करना है, ये टोटल हमारे पास 7 केसेस हैं और ये 7 केसेस आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फिर मैं रिपीट कर दूं, ये नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, फिजिक्स न्यूमेरिकल्स के लिए है ये। ठीक है, और थोड़ा सा जो ट्रिकी है, और आपको यहाँ पे डेरिवेशन पार्ट मैंने पहले ही बता दिया, ये शॉर्टकट सीरीज है, यहाँ आपको सिर्फ फॉर्मूलेज हम आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, ये फॉर्मूले आप कोई भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक पे आता है तो 30 सेकेंड में आप 100% कर लोगे, इस बात की गारंटी। और आपने पहले भी देखे होंगे, जो पहले भी हमारे शॉर्टकट सीरीज में बाकी वीडियोज हैं, करीब 14 वीडियोज इस सीरीज में स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप प्लीज उन्हें वॉच करो। एंड थैंक्स फॉर लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली शेयर दिस वीडियोज टू मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर नहीं, आई एम अ फिजिक्स फैकल्टी। तो जो ये चैनल है, ये पर्सनली मैं टाइम निकाल रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, यानी कि जो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाए किसी कारणवश, वो क्रैक करना चाहते हैं नीट 2018 या 19 या वट एवर। आप अगर नीट में जिस साल भी अपियर करना चाह रहे हो, अगर आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे वीडियोस वॉच करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहां पर हमारे पास बेसिक केस है। बेसिक केस में आप अगर फिगर की तरफ ध्यान दो, इस साइड आप आ जाओ, ये देखिए हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर हम एक चार्ज को वेलोसिटी वी से मूव करा रहे हैं। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी वी ऑफ चार्ज। लेकिन सिंस इस पे दो फोर्स लग रहा है, कोई भी बॉडी जिस पर दो ताकत, वो भी परपेंडिकुलर लगने लगे, तो यहां पर देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहां देखो ध्यान से, चार्ज अगर इधर एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब इधर कहीं पॉजिटिव अगर ये इलेक्ट्रॉन होगा, और इधर कहीं नेगेटिव, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इधर कहीं नेगेटिव और इधर कोई पॉजिटिव। तो आप देख रहे हो परपेंडिकुलर फील्ड दिया हुआ है। तो जैसे ही परपेंडिकुलर फील्ड में हमारा चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, और ये क्या करने लगता है, सर्कुलर मोशन करने लगता है। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा थियोरेटिकल हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमारा ये शॉर्टकट सीरीज है, तो हम सीधा फॉर्मूलेज पे आते हैं। यहां पर जो फोर्स है, सेंट्रिपिटल फोर्स, वो प्रोवाइड हो रहा है क्यू वी बी, दैट इज क्यू चार्ज, वी इज वेलोसिटी, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, विच इज फर्दर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स। और यहां से हमारे पास देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, फॉर्मूला नंबर 1, ये सीधा न्यूमेरिकल बनता है नीट पे, इस पे आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, वेयर वी इज वेलोसिटी, एम इज मास, क्यू इज चार्ज एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इसे हम एनर्जी, ये देखिए काइनेटिक एनर्जी है ये वाला ई जो है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं वेयर ई इज काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप ई के टर्म्स में रखते हो, तो ई के टर्म्स में हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा रूट टू एम ई डिवाइडेड बाई क्यू बी। और अगर आप कैपिटल वी के टर्म्स में, व्हाट इज कैपिटल वी, तो कैपिटल वी इज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। ठीक है, अगर आप एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के टर्म में फॉर्मूला लिख रहे हो, तो फॉर्मूला विल बी रूट टू एम वी कैपिटल वी डिवाइडेड बाई क्यू बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर जो नोट करने वाली बातें हैं, क्योंकि देखिए नीट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, ठीक है, तो यहां पर कॉन्क्लूजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान से देखना। पहला कॉन्क्लूजन, फोर्स हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। इस फिगर से आप देख सकते हो, वेलोसिटी टेंजेंट पे और फोर्स रेडियस पर। ठीक है, तो हमेशा फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, और ये हमेशा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा है कंडीशन, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नोट करते जाओ, साथ में एक कॉपी पेन ले लो और साथ में इसे नोट करते जाइए, क्योंकि ये वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस पे कई बार आ जाते हैं। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्पीड कॉन्स्टेंट रहता है, स्पीड इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये भी पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डाटाज दे देगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कॉन्स्टेंट जब फोर्स को, आप एक चार्ज को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो स्पीड
कॉन्स्टेंट होता, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, दैट इज एफ इज परपेंडिकुलर टू वी एट एवरी पॉइंट। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है काइनेटिक एनर्जी भी कॉन्स्टेंट रहेगी बॉडी की, सॉरी चार्ज की, चार्ज जो है हमारे पास उसका काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगा। और लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मैं नेक्स्ट कलर से इंडिकेट कर दे रहा हूं क्योंकि ये रिपीटेड आता है कि वर्क डन, ठीक है, जो भी वर्क डन होगा वो जीरो होगा, ठीक है, और जो पावर होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना रहा इसलिए एक्सप्लेनेशन पार्ट हम बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन पार्ट के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, ये हमारा शॉर्टकट सीरीज है। तो यहां पर आपने ध्यान दिया ये चीजें क्वेश्चन बन सकती है। नेक्स्ट केसेस पे चलते हैं, तो फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं उसी मोशन में, ये भी अगेन एमसीक्यूज में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि जो वेलोसिटी और मोमेंटम है ये कॉन्टिन्यूअसली चेंज होगा। तो याद रखना वेलोसिटी एंड मोमेंटम विल चेंज कॉन्टिन्यूअसली, तो आपको ये चीज साथ में लिखते रहिए क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पास बनेंगे, ठीक है। और अगर हम पॉइंट नंबर 6 की बात करें और एक पॉइंट नंबर 7 की, तो पॉइंट नंबर 6 ये कहता है कि जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी गिवन बाय एक्सप्रेशन 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी एंड इट इज फर्दर इक्वल टू 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यूबी, ठीक है। यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि टाइम पीरियड विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जो आपका फ्रीक्वेंसी है आपको पता है 1/T, ठीक इसी का उल्टा कर देंगे, दैट इज क्यूबी डिवाइडेड बाय 2πm। और यहीं पर एक चीज आपको और जाननी है, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विल बी क्यूबी बाय स्मॉल m। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये तो बेसिक पार्ट है, अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास वेरियस टाइप्स ऑफ केसेस आए तो क्या क्या आपका टाइम पीरियड होगा और क्या क्या आपका रेडियस होगा, ठीक है। तो हम सीधे टाइम ज्यादा वेस्ट ना करके सीधे एप्लीकेशंस पे चलते हैं। एप्लीकेशन नंबर 1 ध्यान से देखना, मान लीजिए ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड है, ठीक है, एक मिनट मैं पहले फिगर बना लेता हूं नहीं तो टाइम लगेगा बनाने में, एक मिनट। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये देखिए इसी केस की डिस्कस कर रहा था, हमारा जो क्यू है देखिए यहां से एंटर किया, ओके, इस साइड से एंटर किया हमारा क्यू, और यहां से जाने के बाद ये देखिए सेमी सर्कुलर मूव किया। अब जो ये डायमीटर है, डायमीटर आप देख रहे हो, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 2R, इसके केस में, अब इसका मैंने फिर बोला शॉर्टकट सीरीज है तो हम यहां बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसका R जो हो जाएगा दैट इज जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा mv डिवाइडेड बाय qb। पहला क्वेश्चन यहां से आता है, दूसरा कि कितना टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है, टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो टाइम कितना स्पेंड करेगा चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में, उसको हम दे देंगे t इज इक्वल टू पाई एम डिवाइडेड बाई क्यूबी। आई होप क्लियर हो गया होगा, तो R हो जाएगा mv by qv एंड टाइम स्पेंड विल बी पाई m by qv। यहां पर आप पाई की वैल्यू 3 ले सकते हो अगर न्यूमेरिकल आता है तो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट केस पे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो एप्लीकेशन पार्ट में केस 2 देखिए, यहां पर हम देखने जा रहे हैं कि जब चार्ज एंगल थीटा पे एंटर है, तो थोड़ा सा यहां ध्यान से देखना होगा, देखिए यहां से हमारा चार्ज एंटर किया, दिस इज एंगल थीटा, इज इट क्लियर, ठीक है, और और ये लाइन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करे, यहां पर देखिए वेलोसिटी, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, देखिए इतने दूर में हमारा एक सर्कुलर मूवमेंट हुआ है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, दिस विल बी एंगल थीटा एंड हियर वी हैव एन एंगल, तो यहां पर थीटा डैश कर लेते हैं। अब ऐसे केस में अगर हम बात करें, जो क्वेश्चन आता है नीट के अंदर वो आता है आर निकालने का, तो व्हाट विल बी आर, तो आर विल बी एम वी बाई क्यूबी, ठीक है, सेम फॉर्मूला जो पिछले में आया था, लेकिन टाइम स्पेंट की अगर हम बात करें वो बदल जाएगा, टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो टी विल बी इक्वल टू टू, वहां पर याद है 2 पाई था, यहां पर 2 थीटा टाइम्स ऑफ एम
डिवाइडेड बाई क्यू भी हो जाएगा। ठीक है, तो अपने इसके जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो हम वीडियोस नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, आई मीन थियरी पार्ट में। यहां पर आप सीधा फॉर्मूला नोट करो और इस पे आपके एक्सरसाइजेस भी अपलोड हो जाएंगे। तो आप नीचे कमेंट करो एक्सरसाइज जो भी है इस बेस पे, मैं आपको ईमेल कर दूंगा। ठीक है, तो यहां स्टार्ट करते हैं, अब देख लेते हैं नेक्स्ट केस। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो ये देखिए इसका ये केस में आप देखो, पिछला केस में थीटा एक्सटर्नल हमने लिया था यहां से, अब हमारा इंटरनल एंगल थीटा है। और एक और चीज, मैग्नेटिक फील्ड आप देखो डॉट से रिप्रेजेंट किए गए हैं। ऐसे केस में आर की जो वैल्यू पूछी जाती है वो हो जाती है एम वी डिवाइडेड बाई क्यू वी। और दूसरी चीज जो टाइम स्पेंड करेगा वो हो जाएगा 2π - 2 थीटा इंटू एम, दैट इज मास डिवाइडेड बाई क्यू वी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद जो हम केसेस देखेंगे वो हम केसेस देखेंगे वेरियस केसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म इस तरीके से हमने जो शॉर्टकट देखे वो ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो मोशन इन स्ट्रेट, जो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से आते हैं, वो भी हमने पिछले शॉर्टकट सीरीज में दो पार्ट में देखा था। और एक बनता है साइक्लोट्रॉन का केस जो कि यहाँ पे है। तो यही चीज सेम फॉर्मूले साइक्लोट्रॉन के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और छोटा सा केस हम कर लेते हैं, जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर ना हो बी वेक्टर के, यानी वेलोसिटी जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना हो तो क्या फॉर्मूला आएगा। दैट विल बी द लास्ट केस ऑफ दिस शॉर्टकट सीरीज। तो प्लीज आप इसे नोट करो और इसे आगे अप्लाई करो, और आप नीचे मेल कर दो हमें, ताकि मैं आपको इसके रिक्वायर्ड जो वर्कशीट्स आती हैं वो आपको मेल कर सकूं। ठीक है, तो और एक चीज और, कमेंट जरूर किया करें नीचे और शेयर किया करो वीडियो, उससे थोड़ा सा हमें अप्रिसिएशन मिलता है। हमें अपना जो टाइम निकालता हूं मैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया आई एम फुल टाइम फैकल्टी, फिजिक्स फैकल्टी, तो ये जो टाइम है, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, ये उन बच्चों के लिए है जो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाए हैं। तो प्लीज ट्राई टू शेयर इट, क्या पता कोई ऐसे बच्चों को मिल जाए जिसे ये अर्जेंटली रिक्वायर्ड हो। ठीक है, तो एक और हम लास्ट केस देख लेते हैं और उसके बाद ये वीडियो क्लोज करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो सब्सक्राइब भी करते रहो, वो नीचे आपके पास देखिए सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब करो। ठीक है, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए इस सीरीज के या आगे जो भी सीरीज है वो आप पे पहुंच सके। तो ये हमारा लास्ट केस है, इसमें आप देखो क्लियरली मेंशन है कि जब V परपेंडिकुलर ना हो B के। ठीक है, देखिए ये B वेक्टर है और V इस बार यहां ना हो के यहां पर है, तो इससे आप देखो V के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक V साइन थीटा कंपोनेंट जिसे Y एक्सिस कंपोनेंट बोलेंगे और एक V कॉस थीटा कंपोनेंट जिसे X एक्सिस कंपोनेंट बोलेंगे। अब ये देखिए यहां से ये मूव करेगा और यहां से ये सर्कुलर पाथ ट्रैक हेलिकल करने लगेगा, और मान लीजिए ये जो रेडियस आ रहा है ये R हो। ऐसे केस में पहली चीज कि नेचर ऑफ पाथ क्या होगा, तो नेचर आपको दिख रहा होगा हेलिकल पाथ है। ठीक है, दूसरी चीज जो R होगा, R विल बी एम वी साइन थीटा बाई क्यू वी। ठीक है, नेक्स्ट चीज टाइम पीरियड विल बी गिवन बाई 2π m बाई क्यू वी। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक में भी नहीं मिलेगा आपको, ये आप यहां नोट कर लो, पिच पूछ लेता है नीट के अंदर, व्हाट इज पिच। तो पिच विल बी इक्वल टू वी कॉस थीटा इंटू में टाइम। ठीक है, तो आई होप आपको पिच, पहले बात तो पिच क्या होता है, पिच होता है कि ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी दैट इज वी कॉस थीटा इनटू में टाइम दैट इज टाइम पीरियड। तो होप आपको ये सारे केसेस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केसेस की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज सब्सक्राइब करो। और मैंने पहले ही बोल दिया, ये नीट का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एज वेल एज शॉर्टकट टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। तो कोई भी नीट का फिजिक्स का अगर प्रॉब्लम है उसे आपको 30 सेकेंड में सॉल्व करना है, तो उसका ये सीरीज जरूर वॉच करो और इसे शेयर करो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को। और प्लीज नीचे कमेंट करो अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है, कमेंट से हमें और ज्यादा
एक कहते हैं मोटिवेशन मिलता है ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके पास ले आने का, और इसे शेयर करने से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचेगा। और हो सकता है कई बच्चे ऐसे हों जो कोचिंग ज्वाइन नहीं किए हों, जो नीट प्रिपेयर कर रहे हो विदाउट कोचिंग, तो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो होप आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे और कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करोगे आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Are you preparing for the IIT JEE, NEET, CBSE, NTSE, and facing difficulties in physics? Don't worry, I have a solution. We introduce the YouTube channel Conceptual Physics India. Subscribe and get free video lectures covering full syllabus of ITT JEE, NEET, CBSE, etc. Numerous online resources and study materials, free counseling and doubt clarification, tips and tricks to deal with numerical part, and much more. You can also download the official app at Google Play Store or iTunes, Conceptual Physics. Visit www.conceptualphysicsindia.com and ask for free ebook. Subscribe to this channel and start your journey in physics today.